जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश्वर आईटी में एक बार बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के जो आवेदक हैं, आवेदकों के जो पंजीयन है बेरोजगार युवाओं के, वो यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये एक्टिव हो चुकी लिंक। आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लाविनी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है तो वो एक आप लोग यहाँ पर देख लो। यहाँ पर देख रहा है अभ्यर्थी पंजीयन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अभ्यर्थी पंजीयन पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे सामने ये दिशा निर्देश आ गए। अब आपको ये दिशा निर्देश में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके पास होंगे तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। और इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए या नए आए, तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दिखना ना भूलें, ताकि आप सभी लोगों के संबंधित इन्फॉर्मेशन है या जानकारी है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य, यानी आपका समग्र आईडी होना जरूरी रहेगा। ठीक है, दूसरा है आपका जो समग्र आईडी, उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो कहाँ से उपलब्ध देखते हैं तो वही हम वीडियो में बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट है समग्र पोर्टल पर आपका जो आधार है वो उसका लिंक होना चाहिए KYC। ठीक है, समग्र पोर्टल पर आपका, ठीक है, तो वो आप लोग ये करा लेना जिन लोगों का नहीं है। नेक्स्ट है समग्र आईडी में KYC करवाने एवं चेक करने हेतु समय पोर्टल पर कम से कम 24 घंटे लगते हैं उसको अपडेट होने में। यदि आप लोग करते हैं खुद ही या करवाते हैं तो उसको अपडेट होने में 24 घंटे लगते हैं, तो आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट है अभ्यर्थी पंजीयन करने के पश्चात, आपको जैसे आप पंजीयन कर लेते हैं, आपको एक URID और आपको ये पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। फिर आप नहीं प्राप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद आप लोग अपनी प्रोफाइल उसको अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता, कम से कम आप 12वीं पास होना चाहिए या ITI या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इन तीनों में से एक को जाके पास होना चाहिए, तब आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसकी जो अंक सूची है ये वाले, ये इनकी जो सॉफ्ट कॉपी अपलोड होगी आपकी प्रोफाइल के अंदर, और भाई 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो PDF तैयार होगी उस PDF में। फिर नेक्स्ट है बैंक खाता आधार लिंक एवं DBT सत्यापित होना चाहिए। आपका जो बैंक खाता है वो DBT लिंक होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके जो स्टाइपेंड है या सैलरी बोला जाता है वो आपके खाते में आने वाले हैं। तो ये कंडीशन आप लोग पहले पढ़ लें, चेक कर लें, ठीक है, ध्यानपूर्वक। फिर नेक्स्ट है योजना के जो शर्तें हैं, शर्तें भी एक बार देख लो, अभी योजना की कौन कौन सी शर्तें रहने वाली हैं, तो आपके पास ये जरूर चाहिए। आप जो एज है आप देख लें निकाल के कि आपकी एज क्या, 18 कम से कम 18 है और अधिक से अधिक 29 वर्ष, 29 वर्ष से अधिक होगी, 30 वर्ष भी होगी तो आपका इस फॉर्म नहीं भराएगा, या इसके आप पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट है आप मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और बाकी योग्यता मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे जाओगे इस पर क्लिक करोगे, मैंने योजना का कर लिया है और सिर्फ यहाँ मैं पात्र रखता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आप आगे बढ़े क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी जो समग्र आईडी होगी वो आपको यहाँ पे समग्र आईडी आपको डालना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे समग्र आईडी दर्ज करना पड़ेगा, यहाँ पे कैप्चा नंबर डालना पड़ेगा और सत्यापित आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं समग्र आईडी डाल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ आगे चल के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी समग्र आईडी डाल ली है और यहाँ पे जो कैप्चा नंबर वो डाल लिया। अब मैं आप सत्यापित पे आप क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर समझ जैसे ही अपना OTP यहाँ पर डाला तो मेरे पास मेरे नंबर पर OTP आ गया। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन आप लिए आते हैं कि क्या आप अपने SMS के माध्यम से OTP जाते हैं, क्या आपके व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं। तो मान लो मेरे पे बैलेंस नहीं था मेरे मोबाइल में उस सिम के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास उसमें OTP नहीं लिया मैंने, तो मैंने लिया मेरे व्हाट्सएप पर, तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया। ठीक है, और वो जो OTP मैं यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ OTP। अब देखिए, मैंने जैसे OTP सबमिट किया तो मेरे सामने फॉर्म खुल गया। यहाँ पे आपकी समग्र आईडी आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपकी आयु आ जाएगी, ठीक है, और आप मतलब 2023 में 1 जुलाई में कितने वर्ष हो रहे हैं, आपकी पुरुष आ जाएगा, यहाँ पे आपके पिता का नाम आ जाएगा, इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका माता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे जिले का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका स्थायी पता वो आ जाएगा, पंचायत, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे जोन, यहाँ पे वार्ड नंबर, यहाँ पिन कोड, यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके पता आपको यहाँ पे बंद इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आगे अब देखिए आपको यहाँ पे अपना यहाँ पर बता रहे कि मैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जानकारी प्राप्त करने की सहमति देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो व्हाट्सएप नंबर पे के लिए यहाँ पे टिक कर देना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आपका टिक हो जाएगा और इसके पश्चात आप लोग नीचे आओगे यहाँ से, और यहाँ पे आके आपका समग्र आईडी से मोबाइल नंबर लिंक वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात आप लोग नीचे आओगे, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर लिखा जाएगा, जो भी व्हाट्सएप आपका नंबर होगा, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जाएगी, उस पर आपका OTP जाएगा। ठीक है, फिर इस पर आप क्लिक करना, घोषणा करते हुए जो सेक्शन होता है वो आपके पास पूरी है, आप मैं ट्रेड आवेदन करना चाहती हूँ, ठीक है, आप 12वीं पास आई टी वो आप उनसे लेना चाहते हैं, और यहाँ मुझे ज्ञात है फर्जी प्रतिष्ठान फर्जी प्रतिष्ठान करना प्राप्त करता हूँ पाया जाता हूँ मतलब, तो मुझे भुगतान राशि नहीं की जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये अपन कर लेते हैं।
तो फिर मैं यहाँ पे एक पूरा फॉर्म भर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला और यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाली, तो मेरी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, वो ओटीपी मुझे यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओटीपी को यहाँ पर फिर कर लेता हूँ। अब मुझे लास्ट सबमिट पर मुझे क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ आपके सामने। अब मेरे सामने इस तरह का ये बॉक्स आ जाएगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपका जो मुख्यमंत्री शिवकामा योजना पोर्टल पर आपका पंजीकरण सफल रूप किया गया है, आपका उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर साझा किया गया है, कृपया लॉगिन करो उपरांत पंजीकरण पूर्ण करें। तो मेरे मोबाइल नंबर पर यहाँ पर ये पहुँचा दिया गया है उसका ओटीपी और पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करके बताता हूँ आप लोग कहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए जो यूआर आईडी और पासवर्ड है वो मेरे मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी पे आ चुका है, तो मैं यहाँ पर फिर कर लेता हूँ अपना यूआर आईडी और यहाँ पर कर लेता हूँ पासवर्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपनी यूआर आईडी डाल ली है यहाँ पर, और अपना जो पासवर्ड वो भी यहाँ पर डाल लिया है, और यहाँ पर जो कैप्चा है वो डाल लिया। अब मुझे यहाँ पर लॉगिन पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं लॉगिन क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर लॉगिन क्लिक करा, अब ये पूछ रहा है कि आपको जो पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ेगा न्यू पासवर्ड, और आप जो कन्फर्म पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा, और कैप्चा नंबर डाल के आपको पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पुराना पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है, ठीक है। तो आप अपना जो पासवर्ड वो आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाना होगा, ठीक। तो मैं अपना न्यू पासवर्ड बना लेता हूँ और चेंज पर फिर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, ये मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं वो पासवर्ड डाल, जो मैंने नया पासवर्ड बनाया है मुझे उसे डालकर अब मुझे लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं लॉगिन कर, अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन करा तो अभ्यर्थी का नाम आ गया, उसकी जन्म तिथि आ गई, यहाँ पर माता का नाम आ गया, उसके पिता का नाम आ गया, फीमेल आ गया, और यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का पता आ गया, ठीक है। यहाँ पे उसका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर फिर सेक्शन योग्यता मुझे डालना पड़ेगी कि कौन से आपने क्या योग्यता है, क्या कोर्स करना चाहते हैं, क्या स्ट्रीम है, ठीक है, ये मैं चुन के बताता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप स्थान पर किस स्थान पर आप सिलेक्ट करोगे, किस स्थान पर आपको जॉब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पूरा, तो मैं यहाँ पे अब सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कर लिया 12वीं के आधार पर, तो मैंने 12वीं सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं कोर्स चुनूंगा कि कोर्स कोर्स में मुझे करना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे 12वीं सेलेक्ट कर लिया, और इन्होंने ओपन स्कूल से किया हुआ है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं आधार डाल लेते हैं, ठीक है। हमने आधार डाल लिया, और यहाँ पे हमको आधार का नाम लिखना पड़ेगा क्या किया, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं आधार में ओपन स्कूल का यहाँ पर नाम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने ये सब डाल लेना है, सेक्शन योग्यता कोर्स डाल लेना है, अदर मैंने ये सब डाल लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको जो अपलोड करना होगा वो करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट, किसमें आपको करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग अपलोड करना होगा, ठीक है। आप जेपीजी में नहीं करेंगे, लेकिन आपको करना होगा पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। इसके पश्चात आपको यहाँ पे जोड़ पर क्लिक करना है, तो आपकी जो योग्यता है वो यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पूरा कर लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये मैंने जोड़ पर क्लिक किया, तो मेरे सामने ये आ गया पूरा, और यहाँ पर देखो 12वीं आ गया, कोर्स का नाम आ गया, क्या कोर्स में करा है, ठीक है, इसमें शाखा आ गया, ठीक है, ये आ गया, और आपके बोर्ड का नाम आ गया, और यहाँ पे ठीक। अब आप देखो यदि देखना चाहते हैं मार्कशीट इस पर क्लिक करें आप, और एडिट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, हटाना हो तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। और यदि आपका सब सही है तो आपको यहाँ पर संरक्षित पर आगे क्लिक कर देना होगा, आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर ली। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट किया हमारे सामने आ गया। अब मान लो हमने जो योग्यता है उसके आधार पर हमारे सामने कोर्स आ जाएंगे कि आपको किस किस क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने किया मान लो सेक्शन योग्यता 12वीं, ठीक है, 12वीं के आधार पर मिलेगी। तो मैंने सेक्टर, अब मैं देख सेक्टर पे यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी मुझे कौन कौन से मुझे कोर्स मिलने वाले, तो इनमें से मैं किसी भी एक कोर्स को जो यहाँ पर चुन सकता हूँ, ब्यूटी पार्लर चुनना है या ये कैपेसिटी या फिर ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वाला, जो भी आपको चुनना है वो आप लोग यहाँ चुनना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग चुनना है, फिर नेक्स्ट है कोर्स का, आप मान लो मैं चुन लेता हूँ यहाँ ब्यूटी पार्लर, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर थी मैंने कर लिया, ठीक है, और वेलनेस, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स में अब ब्यूटिशियन इसमें आ जाएगा, कोर्स के अंदर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जोड़ों पर क्लिक करना है, तो ये मेरा सेक्टर यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात आपकी रुचि, आप ओटीजी इस स्थान मतलब किस स्थान पर आप चयन करना चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चयन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जो सेक्शन योग्यता वो कर ली, सेक्टर कर लिया किस सेक्टर में जॉब करनी है, ठीक है, मैंने कर ली ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर के अंदर का कोर्स का नाम आ गया ब्यूटिशियन, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट है अपनी रुचि किस अनुरूप आप किस स्थान पर करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया मध्य प्रदेश जोड़ दिया, और यहाँ पर कर दिया मैंने जिला, ठीक है, जिले का नाम लिख दिया। इसके बचा मैं आपको आगे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप लोग अपना जो आपने कार्य किया किसी प्राइवेट में उसमें, तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं 100 बार में कि आपने कार्य किया कितने साल से किया, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ 100 बार में, और प्रमाण पत्र तो लगा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद मुझे आगे बढ़ता, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ वर्डों में लिख दिया उनके बारे में कि उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे मुझे मेरे पास यदि पहले से हो तो मैं लिख सकता हूँ,
और मुझे प्रोफाइल को देखना, तो व्यू पर क्लिक करूंगा, मुझे सेव करना, तो मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरे सामने एक मैसेज आ गया, ये बता रहा है कि प्रिय आवेदक आपको बता रहा है कि प्रिय आवेदक आप मुख्यमंत्री शिवकुमार योजना में अंतर्गत आपकी प्रोफाइल सफल रूप सर्च कर ली गई है। और फिर मैं आपको जैसे ही आपके सामने ये मैसेज आया ना, तो आप समझ जाना कि आपको जो पंजीयन है वो रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, अब आगे जो भी प्रोसेस होगी, बात है आप अपना जो प्रोफाइल का प्रीव्यू, आप क्लिक करके प्रोफाइल का जो प्रीव्यू वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सब आपकी डिटेल भी आ जाएगी, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। अब इसके पश्चात आप लोगों को प्रोफाइल कंप्लीट होने के पश्चात आपको आ जाना, को यहाँ दिख रहा होगा रिज्यूम डाउनलोड, तो यहाँ से आप लोग अपना जो प्रिंट आउट है वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और भाई उसको PDF में या कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। जाएगी ऑपरेटर, ठीक है, आपकी जन्म तिथि, ठीक है, आपका कोर्स आ जाएगा, आपका करियर अनुभव, और आपको यहाँ से कर लेना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले डाउनलोड, ठीक है, आपका जो आपने जो प्रिंट फॉर्म भरा है उसको यहाँ से आप कर लेना डाउनलोड। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको डाउनलोड, ठीक है, ये आपको यहाँ से करना पड़ेगा डाउनलोड, ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह जो प्रिंट है मेरे सामने आ जाएगा, यहाँ पर सब डिटेल दिखी होगी, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो भी आगे प्रोसेस होगी वो आपको हम वीडियो में बताएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ। आप लोग हमारी वीडियो पसंद आता हो, वीडियो को लाइक करते हैं, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ। ओके, तो थैंक्स।